हैं इससे, एक संबंध है। और आप जानते हैं इधर हम अलग हो गए थे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कितना बार पीछे सड़क पर हम आते रहे। आप नहीं देखिए, जब हम आते थे दिल्ली तो यहाँ भी आते थे और यहाँ इनके ऑफिस में जाके बैठते थे। ये सब मेरा पुराना संबंध। वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में बेहद स्वागत। मेरा नाम है पूजा शुक्ला। बिहार के सीएम दिल्ली में हैं। अपने इस दिल्ली दौरे में वो तमाम विपक्षी नेताओं के साथ मेल मुलाकात कर रहे हैं। 2014 का चुनाव 2024 का चुनाव लक्ष्य पर है और विपक्षी एकता की कोशिश है, लेकिन मंसूबे और भी हो सकते हैं कि आखिर क्या कुछ मंथन चल रहा है विपक्ष की सियासत में। इसी मुद्दे पर चर्चाएं खास है। नीतीश का दिल्ली दौरा बेहद अहम। तमाम विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात का दौर शुरू कर रहे हैं, किसी को फूल भेंट कर रहे हैं, किसी के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं और सबकी नजर 2024 के चुनाव पर। विपक्षी दल क्या एक मंच पर फिर खड़े होंगे और क्या यही मंसूबा नीतीश कुमार का? सभी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, उधर केसीआर से भी लगातार मेल मुलाकात नीतीश कुमार कर रहे हैं। 2024 की स्ट्रैटेजी पर अभी से तैयारी शुरू और इसकी अगुवाई करते नीतीश कुमार लगातार नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली में नीतीश का दिल्ली दौरा, कई विपक्षी नेताओं के साथ मेल मुलाकात और सबके बीच में यही कयास, क्या एक बार फिर से तकरार दूर होकर सभी विपक्षी दल एक मंच पर आएंगे 2024 के लिए? क्या एनडीए बनाम विपक्षी दलों का यह फ्रंट तैयार हो पाएगा? कई मौकों पर हमने देखा, चाहे 2014 हो चाहे 2019, कोशिश की गई लेकिन आखिरकार अंत में ढाक के तीन पात। विपक्ष में बड़े बड़े चेहरे हैं और हर चेहरा सिरमौर बनना चाहता है, पीएम पद की रेस में खुद को दिखाना चाहता है और शायद यही वजह है कि सहमति नहीं बन पाती। तो चर्चा खास में एक खास पैनल हमारे साथ, पूजा त्रिपाठी रखेंगी कांग्रेस का पक्ष, कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ गए हैं, विद्या चौहान जी प्रवक्ता एनसीपी और एजाज अहमद प्रवक्ता राजद। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। दो और खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले पूजा त्रिपाठी आपके पास आते हुए शुरुआत आपसे करते, चूंकि आप देश का सिरमौर रह चुकी हैं, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी रही हैं, लेकिन इस समय कह सकते हैं कि आप लोगों की जो पार्टी है रसातल में है, लेकिन उसके बावजूद भी अब चूंकि 2024 पर सबकी नजर है और कांग्रेस की भी उसमें काफी अहम भूमिका है, लेकिन फिलहाल अगर आगे पीछे देखें तो नीतीश कुमार इस समय अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं पूजा त्रिपाठी, क्या कांग्रेस इस ब्लूप्रिंट पर हस्ताक्षर करेगी? शुक्रिया पूजा। सवाल यह है कि हम लड़ किससे रहे हैं। जब 2014 में बीजेपी ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया था तो ये नहीं कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार बीजेपी सरकार, उन्होंने कहा था आपकी बार मोदी सरकार। तो ये जो मेगलोमैनिया, एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है जिसमें हम एक स्टैचर, एक पर्सन से लड़ते हैं जिनके सो कॉल्ड 56 इंच है, जो सशक्त नेतृत्व है, वो आज हमें ये देखना होगा कि वो देश को कहाँ लेकर जा रहे हैं। आज देश बेहिसाब बेरोजगारी से जूझ रहा है, कमर तोड़ महंगाई है, जीडीपी गर्त में है, सामाजिक जो सौहार्द की भावना है, जो सोशल फैब्रिक है, वो इरोड हो रहा है और तो और लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास उनकी खुद की पार्टी कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आज सारे विपक्षी दलों को एक फ्रंट में आना पड़ेगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उनको लड़ना पड़ेगा फासिस्ट ताकतों को हराने के लिए। बात ये नहीं है कि चेहरा कौन है, क्योंकि चेहरे की राजनीति का हम पिछले 8 साल से ये भोग रहे हैं कि चेहरे की राजनीति हमें कहीं नहीं ले जा रही है। लेकिन पूजा, ये भी कड़वी सच्चाई है ना कि आखिरकार अंत में इसी मुद्दे पर आकर जो बनते बनते बात बिगड़ जाती है। 2014 में हमने देखा फ्रंट तैयार होता है, मंच पर एकजुटता दिखती है, हाथ में हाथ मिलाए जाते हैं, लेकिन धाराशाही। 2019 में भी यही बात होती है। अब 2024 में एक बार फिर से ये कवायद तो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन साफ साफ सवाल ये है, क्या नीतीश कुमार की अगुवाई पसंद करेगी कांग्रेस? ये मैंने जो कहा कि ये जो चेहरे बनाम राजनीति है कि हम एक चेहरे को प्रोजेक्ट कर देते हैं प्रधानमंत्री के तहत, इसी से ही लड़ना है हमें। हम सबको मिलके देश के संविधान की रक्षा करना है। तो क्या कांग्रेस पहल करेगी?
अगर ये बात छोड़ दें तो क्या कांग्रेस पहल करेगी? अकेले लड़ रहे हैं हर पब्लिक मुद्दा, भले वो कोविड में माइग्रेंट वर्कर्स का एग्जोडस हो, हर चीज में, या फार्मर्स मूवमेंट हो, राहुल गांधी आगे कर आगे आके खड़े हैं। राहुल गांधी कल पदयात्रा शुरू कर रहे हैं पूरे देश में, जहां वो पूरे 5 महीने 3500 किलोमीटर की पदयात्रा चलेंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपने को एक सशक्त नेतृत्व इस फ्रंट का वो कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि फ्रंट में चेहरे की बात बहुत बेमानी हो जाती है। आज जो देश की स्थिति है, आज हर मुद्दे पे, इकोनॉमिक ले लीजिए, सोशल ले लीजिए, पॉलिटिकल ले लीजिए, हर मुद्दे पर देश पिछड़ रहा है। तो यहाँ चेहरा बहुत ही नामाकुल, बहुत ही मतलब इरिलेवेंट हो जाता है। यहाँ बात होती है कि सबको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत साथ आकर हमें संविधान को बचाना। कपीश श्रीवास्तव जी, ये कोई नई चर्चा नहीं है, ये चर्चाएं लगातार जारी हैं जब से बिहार के सियासी हलचल हम देख रहे हैं। नीतीश कुमार काफी एक्टिव हैं, आप लगातार चर्चाएं खास में जुड़ते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते हैं। पूजा त्रिपाठी कह रही हैं कि चेहरे की जो मुद्दा है वो बेमानी है, सिर्फ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सभी दलों को साथ आना चाहिए। कपीश श्रीवास्तव बतौर सपा प्रवक्ता क्या मानते हैं, चेहरा भी लाइमलाइट में होना चाहिए, उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, या सिर्फ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुद्दे पर आप लोग सब साथ में आएंगे? और जिस तरह नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, क्या उनको नेता मानेगी सपा? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी का कोई भी राजनीतिक दल अगर इस देश के संविधान को मानता होगा तो संविधान इस बात को कहता है कि हम आगे चलकर जब चुनाव होगा उसमें सांसद जीतेंगे और वो सांसद मिलकर के एक प्रधानमंत्री का चेहरा है। संसदीय प्रणाली के अंदर जो भारतीय लोकतंत्र है, जो भारतीय लोकतंत्र का मूल है, वो समूहवाद में तब्दील होता है, व्यक्तिवाद में नहीं। क्योंकि जब सांसद चुन जाते हैं वो मिलकर के बैठते हैं कि हमें सरकार बनानी है, फिर सरकार बनानी है तो एक पद प्रधानमंत्री का होगा, वो कौन होगा उस समय चुने। इसके अतिरेक अगर कोई चेहरा सामने आता है तो मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गैर लोकतांत्रिक है, वो गैर विधिक है, वो गैर संवैधानिक है, ऐसा नहीं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र के उन मूल्यों की उल्लंघना कहीं ना कहीं होती है जब हम व्यक्तिवाद की ओर। बिल्कुल, आज इस बात को देखना होगा कि जो मोदी बनाम इंडिया की लड़ाई बनाई जा रही है, ये लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि मोदी इज नथिंग। व्यक्तिवाद भारत के अंदर नहीं चलेगा। क्या मोदी जी अकेले प्रधानमंत्री हैं, उसके अलावा कोई मंत्री नहीं? क्या हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं है? क्या हमारी संवैधानिक संस्थाएं नहीं है? ये सब मिलकर के लोकतंत्र का देश चलता है और आप इनको अलग नहीं कर सकते। तो मैं तो इस बात को यह कह रहा हूं कि इस समय चेहरा कोई नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मुद्दे हावी है। उसका कारण है कि जब आप विपक्ष की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो आप देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए जा रहे हैं, आप अपने संवैधानिक संस्थाओं की जो चूल्हे हिला दी गई हैं तानाशाह सरकार के द्वारा, उनको आप बचाने की कवायद कर रहे हैं, आप अपने बेरोजगारों को, जो कि ऐतिहासिक चरम सीमा पर महंगाई है और बेरोजगारी है, आप उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो आपको यह सोचना है कि आपके लिए मुद्दे प्रधान, और यह कपीश श्रीवास्तव नहीं कहते, मैं इस बात को कहता हूं कि बापू जो हमारे महात्मा गांधी हैं, उन्होंने आत्मकथा में अपने लिखा कि कोई व्यक्ति नेता स्वयं नहीं बनता, उसको मुद्दे नेता बनाते। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर इस समय भारत में चरम सीमा पर डबल डिजिट के अंदर महंगाई है, भारी संख्या में बेरोजगारी है, सरकार की गलत नीतियों की वजह से, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे गलत तरीके से 32 बार यू टर्न की हुई जीएसटी हो, या कोरोना काल के अंदर प्रबंधन हो जी। क्योंकि देखिए, पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा लोग काल के गाल में समाये, 45 लाख, और उसको छुपाया जाता है वैक्सीन के पीछे। ये तो कोई भी सरकार को सोचना चाहिए कि जिस समय 45 लाख लोग काल के गाल में सोचा है, आपकी तैयारी क्या थी और आपने कहां कहां गलतियां की, उस पर कोई नहीं। लेकिन सरकार तो कहती रही कि आबादी के लिहाज से जो मैनेजमेंट रहा वो बहुत उत्तम रहा। खैर, एजाज अहमद जी, जिस तरह से कपीश श्रीवास्तव ने बातें रखी कि संसदीय प्रणाली है जो समूहवाद बतलाती है, व्यक्तिवाद नहीं, लेकिन आज व्यक्तिवाद हावी हो रहा है, इसको रोकना है
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए, क्या आपकी सहमति है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार ने पूरे देश को एक संदेश दिया है। अब बिहार से जो राजनीतिक बयार निकली है वो देश में परिवर्तन की बयार है। और आप देख रही हैं कि 2024 से पहले किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट है, घबराहट है और बेचैनी है। और बेचैनी का आलम यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम बिहार की राजनीति के जो बयार निकले हैं उसका मुकाबला कर सके। बेचैनी उनमें, लेकिन विधायक, आपके विधायक जेडीयू के टूट टूट के जा रहे हैं बीजेपी में। देखिए, विधायक तोड़ने वाले लोग लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदल दिए हैं। और लोकतंत्र हमारे विधायक कमजोर नहीं है, उनका पैसा बहुत बड़ा जोर है और वो पैसे के जोर पर लोकतंत्र को कमजोर करना चाह रहे हैं। आपने सुना होगा जेपी नड्डा साहब का लोकतंत्र की जननी, जो बिहार रहा है, जो वैशाली रहा है, जिसने पूरे दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है, वहां पर आकर के उन्होंने कहा था कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाएगा। सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने उसी दिन मन बना लिया कि हमको भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बिहार से मिटा देना है। और आप देख रहे हैं कि बिहार में अकेले भारतीय जनता पार्टी, बाकी सारे दल एक साथ हैं। इससे स्पष्ट संकेत दिया देश भर में कि अगर हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़े तो भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दिया जा सकता है। और उसी का नतीजा है कि जो हम दो, हमारे दो की राजनीति देश भर में चलाई जा रही थी, उसका दो लोगों ने बेहतर ढंग से मुकाबला करने का काम किया और बेहतर ढंग से बिहार से संदेश देने का काम किया है। और आप देख रही हैं कि बिहार की राजनीतिक बयार के बाद सारे विपक्षी दल कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो खतरनाक खेल खेल देश में खेल रही है, ईडी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, और इन एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, इन एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी दलों को, सभी नेताओं को इकट्ठा होना होगा। ठीक ठीक, सभी मुद्दों पर आप लोग सहमत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई मौकों पर बात नहीं बनती, चर्चा करेंगे लेकिन शामिल कर लेते हैं। ठीक सर, वापस लौटते हैं। मैं कंक्लूड कर दूंगा, एक सेकंड आओ। उसके बाद सभी दलों ने जन सरकार के मुद्दे पर जो एकता का नारा दिया है, और जिस तरह से आज सभी विपक्षी दल के नेता, जो माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने बीड़ा उठाया है, विपक्षी दलों को, उसी पे चर्चा है कि वो बीड़ा उठा तो रहे हैं, ब्लूप्रिंट तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन हालांकि वो कह रहे हैं कि पीएम की दौड़ में नहीं हूं, लेकिन फिर भी विद्या चौहान जी, अगर आप तक विपक्षी दल को, विद्या जी, ठीक सर, भारत में विद्या जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, कमजोर करने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, ठीक, उसको रोकने में हम सफल रहेंगे। 2024 में देश में परिवर्तन होकर रहेगा, ठीक, और हम हमारे दो की राजनीति नहीं चलेगी। ठीक ठीक, विद्या जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो सहमति दे दें अपनी जरा, एनसीपी का पक्ष रखने। जी विद्या जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, मुझे आवाज आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है? जी जी जी, एक सवाल विद्या जी आपसे, क्योंकि आप थोड़ा लेट ज्वाइन कर रही है विद्या जी, क्योंकि तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव और रजामंद है, केसीआर भी, और देवेगौड़ा ने भी हरी झंडी दी है नीतीश के नाम को लेकर। हम देख रहे नीतीश कुमार काफी एक्टिव है, दिल्ली में है, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि एनसीपी कांग्रेस की सहयोगी हमेशा रही है, कांग्रेस को बड़े भाई के तौर पर मानती रही है, तो नीतीश कुमार की अगुवाई क्या एनसीपी को रास आएगी? जो ब्लूप्रिंट नीतीश कुमार तैयार कर रहे हैं, क्या उस पर आपकी सहमति रहेगी, हामी रहेगी? और बतौर बड़ा चेहरा नीतीश कुमार, आप लोग मानेंगे उनको? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी बड़ा नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, तो हम सब लोग पहले तो एक साथ आना चाहते हैं, और इसलिए आना चाहते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर कौन बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका कोई सवाल अभी नहीं है, लेकिन अगुवाई कोई करता है तो सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और हो गया है, ऐसा कुछ नहीं कि नीतीश कुमार होंगे तो हमें मंजूर नहीं, या ममता बनर्जी का नाम होगा तो हमें मंजूर नहीं, या राहुल, अभी ये सवाल ही नहीं है। मुझे ये कहना है कि सबको एक साथ आना है, कि ये युद्धजन्य परिस्थिति मोदी जी ने निर्माण की है देश में,
देखिए जब वॉर होता है तो हम लोग ये देखते हैं कि पहले हमको इसको खत्म करना है, यानी भाजपा ने जो बेरोजगारी का, जो महंगाई का और सब देश में आग लगाई है, और ये सिर्फ आग इस तक सीमित नहीं है, उन्होंने धर्म का युद्ध भी शुरू किया है। इनका ढोंग हिंदुत्व का है, जो लोग जानते हैं बहुत सारे हिंदू जो है वो सेक्युलर हिंदू है, ये बोलते हैं वो कि महंगाई कम करो, बेरोजगारी कम करो, हिंदुत्व का कोई हिंदुत्व खतरे में, ये जो कहा जाता है वो गलत बात है। तो देश में ऐसी सरकार को पहले हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अदानी, अंबानी, मोदी और शाह चारों की सरकार है और किसी की नहीं। तो ये देश बेचने का, विकास के नाम पे मोदी जी देश बेच रहे हैं। तो पहला इसको रोकने के लिए सब पार्टियों को, जितने भी पार्टियां हैं भाजपा के खिलाफ जो देश में जितनी भी है, चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, पहले तो सबको एक साथ जुड़ने की जरूरत है। अगर ये सब लोग एक साथ जुड़ गए तो आगे चल के जिसकी सीट ज्यादा आएगी उसके बारे में, क्योंकि मैं आपका एक उदाहरण देना चाहती हूँ, जब देश में इंदिरा जी थी, इतनी पावरफुल नेता थी, इतनी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी, कि उनके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ऐसा सवाल था। लेकिन तब वो तभी किसी को प्राइम मिनिस्टर के नाम से डिक्लेयर नहीं किया था कि भाई हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो यही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो हमको ये कहना है कि अभी भी सिचुएशन यही है कि हमको ये जो मोदी जी सब खुद को बहुत बड़ा नेता मानने लगे है कि मेरे जैसा पावरफुल कोई है ही नहीं और हो ही नहीं सकता है, तो इनका घमंड तोड़ने का काम पहला करना पड़ेगा, और इनको बाजू में हटा के इस देश को बचाने के लिए सारी पार्टियां एक साथ आती है, तो इसके लिए एनसीपी हमेशा तैयार है, क्योंकि हमें पहले तो ये देश बचा। बिल्कुल पूजा त्रिपाठी, आना सभी चाहते हैं, मुद्दों को लेकर, मुद्दों की गंभीरता को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर, और जैसा कि आप लोग आरोप लगाते आ रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, तानाशाह रवैया अपना रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में भी अभी हमने हाश्र देखा कि किसी भी, आप लोग जो विपक्षी दल हैं, किसी की भी राय एकमत नहीं रही, ये हाल उपराष्ट्रपति चुनाव में नजर आया। देखिए पूजा जी, पार्टीज हैं और डिफरेंट अम्ब्रेला के अंदर काम करती हैं, सबकी अलग मत हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये विश्वास है और मैं ये बहुत ही कन्विक्शन के साथ कह रही हूँ कि जहां बात फासिस्ट फोर्सेस को 2024 में हराने की बात होगी, जहां देश को बचाने की बात होगी, जहां संविधान को सर्वोपरि मानने की बात होगी, जहां देश की धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता की बात होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि सारी पार्टियां एक साथ आएंगी। और फिर से कहूंगी कि चेहरा बिल्कुल ही बेमानी है, यहाँ चेहरा बना मुद्दों की राजनीति है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, और मुझे पूरा यकीन है कि सब साथ में आएंगे और फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ एक साथ लड़ेंगे। कपीश श्रीवास्तव जी, आप लोग साथ आना चाहते हैं, मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी मैंने उदाहरण दिया उपराष्ट्रपति चुनाव का, जिसमें सभी विपक्षी पार्टियां, जो आप लोग एक स्टैंड लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन एन मौके पर आप लोग के मत अलग अलग निकले। देखिए पूजा शुक्ला जी, सबसे पहली चीज मैं आपको कह दूं कि हम लोग चाहते नहीं है, चाहते होने की बात ही नहीं है, यहां पर देश बचाने की विवशता है, और जो कोई पार्टी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर तैयार नहीं होगी वो निश्चित रूप से फिर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है कि देश के संविधान के साथ खेलना, देश के संवैधानिक संस्थाओं के अंदर तानाशाही व्याप्त होना, देश के हर जन को परेशानी उठाना, और गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश को नस्तनाबूद कर देना, और समूचे भारत को की संपदा को उठा के चंद पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी कर दे। लगभग ये 50% हो चुका है, और अब ये 50% जो मैं कह रहा हूं ये अस्तित्व की लड़ाई है विपक्ष के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि दोबारा फिर आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनना पड़ेगा, स्वतंत्रता के लिए भारत की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये बात अलग हो सकता है कि आप अदानी और अंबानी की कंपनी से लड़ रहे हैं, तो मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि मोदी जी तो कतई भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि उनके पास तो अपना कुछ नहीं है, पत्नी उन्होंने छोड़ी थी,
बच्चे बीवी है नहीं, वो आखिर किसके लिए काम कर रहे? अगर देश के लिए काम कर रहे होते तो देश पे 8 वर्षों में 51 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विश्व बैंक का नहीं होता, जो कि पिछली 65 वर्ष की सरकारों ने नहीं लिया। 49 लाख करोड़ था, वो भी दिया जा चुका। और आप देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे नगण्य है। देश माइनस में जाता है जीडीपी के 23, और हमारी पूंजीपति जो है तिमाही 40,000 करोड़ रुपए कमाते। देश के अंदर 15 लाख करोड़ रुपया एनपीए हुआ और राइट ऑफ कर दिया गया चंद पूंजीपतियों के लिए। तो इसका मतलब क्या है? गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जा रही है, राजस्व का घाटा लग रहा है लेकिन उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है। देश की जीडीपी माइनस में जा रही है, पूंजीपतियों की जीडीपी प्लस में जा रही है। वाह रे भारत, और वाह भारत का अर्थतंत्र, और वाह रे भारत की वित्त मंत्री, और भारत की प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं प्याज महंगा हो गया, प्याज खाना छोड़ दो। ओला उबर को आप ऑटो सेक्टर में मंदी के दौर के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। समय आ गया है देश के सामने, चाहे वो विपक्षी दल हो और चाहे वो देश की जनता, उनको अगर दोबारा आजादी की लड़ाई लड़नी है तो एक सरकार और बनवा दीजिए। लेकिन मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ, यहाँ चेहरा लड़ाई में जी, यहाँ पर चेहरा पे प्रश्न नहीं, लड़ाई में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं हो पा रहे? 2014 से आप लोगों ने शुरुआत की थी। नहीं मैं पूजा जी बता रहा हूँ, कंप्लीट कर दे रहा हूँ, तो चंद सेकंड में मैं एक बात सीधी बात कह रहा हूँ। इसको राष्ट्रपति के चुनाव से, इसको उपराष्ट्रपति के चुनाव से कतई ना जोड़ा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो दोनों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव दूसरे परिप्रेक्ष्य में होता, संसदीय संसद का एक अलग होता, वो उसमें पूरी देश की इकोनॉमी से लेकर के देश के अंदर सरकार कैसी चली उस पर भी जनता मूव करती। मैं तो स्पष्ट सी बात बता रहा हूँ कि छद्म राष्ट्रवाद, छद्म देश जातिवाद और छद्म धर्मवाद से बचना है देश के लोगों को, क्योंकि ये तो आस्था को गर्म करके अपने लिए वोटों की जागीर तैयार करते हैं, लेकिन अब देश तैयार नहीं। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, विपक्ष के सामने तो 5-7 चेहरे आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है, बहुत अच्छे से देश चला था, कोई भी, चाहे नीतीश बाबू प्रयास कर रहे हो या ममता दीदी प्रयास कर रही हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक चीज चला करके दिखाई, 3 वर्ष में उत्तर प्रदेश को वो मानक स्थापित किया जो आज तक की सरकारें नहीं कर सकी। और शरद पवार को नहीं भूल सकते, आप राहुल गांधी जी को नहीं भूल सकते, आप केसीआर साहब को नहीं भूल सकते, आप नायडू साहब को नहीं भूल सकते, इतने चेहरे हमारे पास। लेकिन आपको लगता है भले ही अपने राज्य में आप बहुत मजबूत हो, लेकिन आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दे पाएंगे अखिलेश जी मोदी जी को? मैं तो स्पष्ट सी बात कह रहा हूँ, विपक्ष एकजुट है, मैं तो किसी पार्टी को अलग मान ही नहीं रहा, तो मैं तो विपक्ष की लड़ाई बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में हम रोकेंगे, बिहार में जेडीयू और क्या बोलते हैं राजद रोकेगी, कांग्रेस मिलकर रोकेगी, ममता दीदी बंगाल में रोकेंगी, गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रोकेगी, कांग्रेस जो है वो राजस्थान में रोकेगी, मध्य प्रदेश में रोकेगी, और क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में रोकेगी, दक्षिण में अन्य क्षेत्रीय क्षेत्र भी करेंगे, और कांग्रेस भी रोकेगी। जितना हम सब लोग जहां हमारी पार्टी मजबूत नहीं है वहां कांग्रेस और अन्य दलों को सपोर्ट करेंगे। एजाज अहमद जी, जितना कपीश जी बता रहे हैं कि हर क्षत्र अपने अपने राज्य में बीजेपी को रोक लेगा, चलिए मान भी लिया जाए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या, राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्वीकार्यता है अखिलेश यादव की, राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्वीकार्यता है शरद पवार की, देखिए अभी केजरीवाल की, ममता बनर्जी की, राष्ट्रीय स्तर पर तो एकमात्र कांग्रेस ही है। और फिर कांग्रेस क्यों पीछे हटे जब वो जानती है कि बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने वही पेश कर सकती है? पूजा जी, अभी नेतृत्व का कोई सवाल नहीं है, जब समय आएगा तो नेतृत्व भी सामने आ जाएगा, नेतृत्वकर्ता भी सामने आ जाएगा, और स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों को दिखेगा। लेकिन बिहार ने जो संदेश दिया है कि अगर हम एकताबद्ध होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत महागठबंधन बनाए, तो देश 2014-2019 में भी आप दे रहे थे जान जी, यही तो बात है, संदेश तो आप दे रहे हैं, देखिए संदेश तक पहुंच नहीं रहा सर। देखिए 2014 और 2019 में फर्क है, 2024 में आप देखेंगे कि जो बिहार से राजनीतिक बयार निकली है और जो बिहार ने परिवर्तन का संकेत दिया है, यह स्पष्ट रूप से देश ने देखना शुरू कर दिया है। और देश के लोगों को, देश के आम आवाम पहले से ही बेचैनी में है इस सरकार से,
एजाज जी बहुत माफी के साथ सर, आप बार बार बिहार का जिक्र कर रहे हैं, टीएमसी बार बार बंगाल का जिक्र करती है, आम आदमी पार्टी बार बार दिल्ली पंजाब का जिक्र करती है। यही तो मुद्दा है, यही मुद्दा है कि हर एक शख्स, ठीक सर, ठीक सर, एक छोटा सा अंतराल सर, थोड़ा सा समय लेंगे, एक छोटा सा अंतराल हम ले रहे हैं, वापस लौटेंगे और चर्चाएं खास यूं ही जारी रहेगी। एक छोटा सा अंतराल। सब लोगों के साथ संबंध और आज भी हमारे यंगर एज से एक संबंध हो, और आप जानते हैं इधर हम अलग हो गए थे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कितना बार नीचे सीट पर हम आते रहे, आप नहीं देखिए, जब हम आते थे दिल्ली तो यहाँ भी आते थे और यहाँ इनके ऑफिस में जाके बैठते थे, ये सब मेरा पुराना संबंध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चर्चाएं खास आप देख रहे हैं। बेशक डेढ़ साल का वक्त है अभी लोकसभा चुनाव में, लेकिन सियासी ताना बाना विपक्ष अभी से बुन रहा है और इसी बुने हुए सियासी ताने बाने को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पूजा त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस, कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता सपा, विद्या चौहान जी पक्ष रख रही हैं एनसीपी का, एजाज अहमद जी हमारे साथ राजद से, और दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं, आमिर शमसी नेता बीजेपी और दिव्यांशु भारद्वाज नेता जदयू। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। दिव्यांशु भारद्वाज, आपके सीएम साहब दिल्ली में हैं, मुस्कुराते हुए तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, फूल दे रहे हैं, शॉल ले रहे हैं, कुल मिलाकर इस समय अगुआ के पूरे पोजीशन में और आप में नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। हालांकि कह रहे हैं कि पीएम पद की रेस में वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो उत्साह है, जो उनकी उमंग है, जो मुस्कुराती तस्वीरें हैं, क्या छिपा है इसके पीछे? नहीं, देखिए आज जो देश के अंदर स्थिति है और जिस प्रकार से विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पटना में जब एक कार्यक्रम के दौरान आते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि भाई क्षेत्रीय पार्टी को हम लोग समाप्त कर देंगे, तो नीतीश जी ने यह बताया है कि अगर यह लोकतंत्र बचेगा, अगर हर आदमी अपनी आवाज को उठाने की ताकत जो है वो अगर जीवित रहेगी, तभी जाकर के तो सुरक्षित हाथों में रहेगा। ताकत तो जनता के हाथ में है दिव्यांशु जी, कोई दल किसी दल को कैसे समाप्त कर सकता है? हाथों में है, तो जो तानाशाही का रवैया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनाया जा रहा है, जो खुले मन से कहा गया उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कि भाई क्षेत्रीय दलों को हम लोग समाप्त कर देंगे, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे नेता का जो आत्मबल है वो इतना मजबूत है कि सीबीआई और ईडी के दौर में जहां विपक्षी पार्टियों को खत्म करने की साजिश की जा रही है, उनसे बिना डरे हुए हमारे नेता का चरित्र कितना साफ है, जिस प्रकार से पूरे विपक्षी नेताओं के घर पर सीबीआई और ईडी का दबाव बना करके उनको उनका मुंह बंद कराने का प्रयास जो सत्ताधारी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उस दौर में जिस प्रकार से नीतीश जी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए निर्णय लिया है कि भाई हमें भी अधिकार है, हम क्षेत्रीय दल हैं तो हम भी राजनीति कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं को उठा सकते हैं, लोगों के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए और विपक्ष को बचाने के लिए जो निर्णय लिया, चेहरा नहीं होंगे दिव्यांशु जी, बचाने की पहल तो कर रहे हैं आप कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं पीएम पद की रेस में नहीं हूँ। जो ब्लूप्रिंट तैयार कर रही हैं नीतीश कुमार, हस्ताक्षर तो सभी करने को तैयार हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा इसी पर तो चल रहा है सब कुछ युद्ध। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं पीएम की रेस में नहीं हूं, मान लिया जाए जी। देखिए अभी जिस प्रकार से चेहरा कौन होगा, अभी तो पूरे देश भर के लोग, विपक्ष की जो जितनी पार्टियां हैं और विपक्ष के जितने लोग हैं, वो लोग एक साथ बैठेंगे, उसके बाद तय होगा। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष के जितने भी लोग हैं देश भर लोगों से मिल रहे हैं, जब जिस प्रकार से हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन से अलग हुई और हमारे नेता ने जो है साहसिक निर्णय लिया, तो देश भर के नेताओं ने उनको फोन करके बधाई दी कि भाई आपने बहुत ही साहसिक निर्णय लिया है, तो पूरे देश भर में नीतीश कुमार जी, पूरे देश भर के नेताओं ने नीतीश जी से संपर्क किया, नीतीश जी जा रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, चेहरा कौन होगा ये तो बाद में डिसाइड होगा जब सब लोग एक साथ बैठेंगे। बस माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कहना है और उनकी यह इच्छा है कि भाई विपक्ष के जितने लोग हों वो सब लोग एक साथ आकर के और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, जिस प्रकार से विपक्ष को खत्म करने की और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है। आपने मुस्कुरा भी रहे हैं, आपने आरोप सुन लिए होंगे, काफी देर बाद आप जुड़े,
लेकिन खूब तैयारी है विपक्षी दलों की, क्योंकि यहाँ सभी दिग्गज बैठे हैं, कपिल श्रीवास्तव जी हैं, विद्या चौहान जी हैं, पूजा त्रिपाठी हैं, एजाज अहमद हैं, सब कह रहे हैं कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर तैयार हो गए हैं और इस बार तो जमकर आपको घेरा जाएगा। जो तानाशाही रवैया आप लोग अपना रहे हैं वो खत्म होगा। देखिए, सबसे पहली बात, दो तीन बातें जो जेडीयू के मेरे साथी, मेरे दोस्त ने कही, वो ये कह रहे हैं कि नेताओं ने नीतीश कुमार को बधाई दी कि उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा निर्णय लिया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि विरोधी दल के नेताओं की बधाई उनको बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन जनता की प्रक्रिया वो नहीं देख रहे। जनता के साथ में धोखा किया गया, जनता को धोखा दिया। दूसरी बात देखिए, मैं आपको ये बता दूं बहुत, कि ये जितने भी दल हैं ये सब हर बार ही करते हैं, कोई बहुत नई बात नहीं है। आप 2014 में चले जाइए, उसके बाद 2019 में आ जाइए, अब 2024 आने वाला है। ये तमाम विरोधी दल, जितने भी विपक्ष, हमारे देश का जो भी विपक्ष है, ये सब एक्सपेरिमेंटल मोड में चल रहा है। ये सब एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि देखिए हमें किसी तरह से हम ऐसी स्थिति बना लें कि हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा लें, हम सब एक हो जाएं, सब एक होकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो जाएं और नरेंद्र मोदी को हटा लें। मैं इन आपके चैनल के माध्यम से इन सबको ये बताना चाहता हूँ कि भारत जिस तरह से ये लोग अपने चेहरे ढूंढ रहे हैं ना, कि वो नीतीश चेहरा होंगे या नहीं होंगे, या राहुल चेहरा होंगे या नहीं होंगे, उसी तरह से भारत की जनता ने एक चेहरा चुन लिया है। भारत की जनता ने वो चेहरा नरेंद्र मोदी का चुन लिया है और 2024 में पुनः प्रचंड बहुमत से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये निर्णय भारत की जनता ले चुकी है। कपीश जी तो ये साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री ने संसदीय प्रणाली को ध्वस्त कर दिया, चूंकि संसदीय प्रणाली तो विश्वास समूहवाद में करता है, लेकिन आप लोग व्यक्तिवाद पर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देखिए, मैं बता दूं बहुत कुछ चंद लफ्जों में बता देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत में जो है वो एक 2014 से लेकर के 2019 के चुनाव में, 2019 के चुनाव से लेकर के आज तक नरेंद्र मोदी ने प्रतिदिन वो मिसाल पेश की है जो कभी कोई नहीं कर सका। नरेंद्र मोदी ने जातिवाद से उठ करके बात की, नरेंद्र मोदी ने देश के सशक्तिकरण की बात की, नरेंद्र मोदी ने देश को अखंड करने की बात करी। और जितने भी अभी तक हम देखे 70 साल वो दल जो हमारे देश पर काबिज रहे, जो देश की सत्ता पर काबिज रहे, उन्होंने सिर्फ देश को तोड़ने की बात की। सबका साथ और सबके विकास की बात यदि किसी ने की तो नरेंद्र मोदी ने की। जितने भी आरोप लगाना चाहते हैं लगा लें, जितने भी बातें कहना चाहते हैं कह लें, मगर मैं ये बता दूं, स्पष्ट ये बात कह दूं कि भारत की जनता निर्णय कर चुकी है। भारत की जनता 2024 में प्रधानमंत्री के चेहरे को चुन चुकी है, वही चेहरा जो 2014 में था, वही चेहरा जो 2019 में था, वही चेहरा 2024 में भी होगा। प्रचंड बहुमत से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे और ये निर्णय भारत की जनता तो आश्वस्त है। देखिए, जितने 2014 में भी वही चेहरा, 2019 में भी वही चेहरा, 2024 में भी वही चेहरा, और जनता भी मोहर लगाएगी, वो आश्वस्त है। लेकिन विपक्ष अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ला पा रहा कि एक्सपेरिमेंटल मोड में है आप लोग? कि जो बीजेपी की सशक्त नेतृत्व की बात कर रहे हैं मोदी जी के चेहरे के रूप में, वो 8 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिए। कोरोना का कुप्रबंधन हमारे सामने है, हमारे प्रधानमंत्री आजादी के अमृत महोत्सव में लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर महिलाओं की सुरक्षा और अस्मिता की बात करते हैं, उसी दिन शाम को बल्कि इस बानों के 11 रेपिस्ट छूट दिए जाते हैं और पूरी की पूरी सत्तासीन पार्टी में से एक सदस्य नहीं कहता है कि ये गलत हो रहा है। तो अगर ये सशक्त नेतृत्व है, वो जो आजकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो रहा है कि शेर पालना महंगा होता है, ये शेर पालना महंगा होता है कि उज्ज्वला के सिलेंडर के रिफिल नहीं हो रहे हैं, देश में एनसीआरबी के आंकड़े आ गए हैं, क्राइम बढ़ रहा है, रुपया दिन ब दिन गिर रहा है, आज के दौर में 45 ईयर्स में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, आप और तो और अग्निपथ स्कीम लेकर आ गए हैं जो आप एस्टैब्लिश्ड आर्म फोर्सेस स्ट्रक्चर को खत्म कर देना चाहते हैं। अगर ये सशक्त नेतृत्व है तो मैं नहीं चाहती हूँ सशक्त नेतृत्व, मुझे एक ऐसा नेता चाहिए जो देश का समाजवाद का झंडा बुलंद करे, जो भारत को बचाने की मुहिम में निकले, और मैं कह रही हूँ कि 2024 में हम इन्हीं के अहंकार को हराएंगे। और वो एक कहानी थी, मैं बस कॉन्क्लूड करूंगी पूजा जी, वो एक कहानी सुनते थे हम बचपन में कि एक राजा कुछ नहीं पहना रहता, एक छोटा बच्चा राजा को कह देता, अरे राजा नंगा है,
ये वही स्थिति आ गई है। आज चीख चीख के हर भारतीय जो जिसकी रसोई सिमट गई है, जो बेरोजगार है, जो सामाजिक सौहार्द को देख रहा है, वो कह रहा है कि राजा नंगा है, पर राजा सुनने को तैयार नहीं कि राजा नंगा है। कपिल श्रीवास्तव जी, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, आप लोग अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में मुद्दे उठा रहे हैं, गंभीर महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप सरकार की नीतियों का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन अपने अपने राज्यों में, लेकिन समूह के तौर पर जब आप लोग साथ आते हैं तो फिर कहाँ वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ गायब हो जाती है? क्या जनता नहीं समझ पा रही कि आप लोग कितनी गंभीरता के साथ सरकार की मुखालफत कर रहे हैं कई मुद्दों को लेकर, नीतियों को लेकर, जो कि जनता के हित में है? और जैसा कि एक आमिल ने कहा था कि आप लोग एक्सपेरिमेंटल मोड में हैं, क्या ये सच्चाई है? देखिए, भारतीय लोकतंत्र हम जब से स्थापित हुए तभी से एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट अच्छे के लिए होना, बुरे के लिए नहीं होना। देश की जनता ने एक्सपेरिमेंट तो किया 2014 में, लेकिन देश के साथ बुरा, 45 लाख लोग काल के गाल में चले गए कुप्रबंधन की वजह से। जीएसटी इस तरीके से लागू की गई कि 32 बार यू टर्न लेनी, और आप खुद देख लीजिए कि बेरोजगारी दर चरम सीमा पे है, और रिजर्व बैंक को इन्होंने रिवर्स बैंक बना दिया। आपको याद होगा कि सेक्शन रिजर्व बैंक के सेक्शन 6 और 7 में इन्होंने परिवर्तन करके 3.5 लाख करोड़ रुपए 5 बार में निकाली, और वो कहां इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, क्या देश की तरक्की किया उनके पैसों से, इन्होंने नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने मित्र से एक बात कह दूं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो चेहरा है, वो 24 तक का इलेक्शन है। अरे अमित शाह जी ने तो कहा कि 50 वर्ष वो राज करें, और क्यों ना करें वो 50 वर्ष, उनको करना चाहिए 50 वर्ष, क्योंकि जहां देश का लोकतंत्र ईवीएम से तय होता हो और इस देश के अंदर 20 लाख ईवीएम मिसिंग हो तो प्रश्न तो खड़ा होता है कि 50 साल की बात हो सकती है। इस देश के अंदर जब लोकतंत्र करती है, जब विपक्ष हारने लगता है तो ईवीएम को बीच में ले आता है, सवाल तो भी उठ जाते हैं। मैं इस बात पे कही नहीं रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश की। ये आरटीआई है और आज भी न्यायालय के अंदर इस बात को, न्यायालय ने भी इनसे पूछा कि बताओ भैया 20 लाख ईवीएम मिसिंग है, वो कहां चला गया? 2 जगह से मिसिंग हुआ है, 1 जगह से 12 लाख है, 1 जगह से 8 लाख। तो आप मुझे बताइए ना कि वो बरामदगी आज तक क्यों नहीं, भूल रहे हैं। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, अरे भाई पूरा कर लेने दीजिए, फिर आपको पूरा मिलेगा, फिर आपको अवसर मिलेगा कह लेने में, वरना आप भी नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर। मैं एक बात कह रहा हूँ पूजा जी, कि अभी व्यक्तिवाद के चेहरे पर ये बात कर रहे थे एक तानाशाह की तरह, लोकतंत्र भारतीय मूल्यों को भुलवा करके, सामूहिक और समाजवाद को भूल कर ये सोच रहे हैं कि 2014 के अंदर इनका चेहरा कौन था, या ये बता देना कि 2004 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन था, ये बताने के लायक नहीं। 2004 में आडवाणी साहब प्रखर रूप से थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से बढ़ा करके, और विचारधारा भारतीय जनता की पार्टी की थी, उसको बढ़ा के 186 किया और 3-4 बार अपनी सरकारें बनाई। लेकिन बावजूद उसके फील गुड हो रहा था, इंडिया शाइनिंग हो रहा था, 2004 के बाद आप उतरे तो यूपीए ने सरकार चलाई 2 बार 10 वर्ष, और अंतिम भी जो सरकार चली मनमोहन सिंह साहब की, वो 10% की जीडीपी आपके हवाले करके गई, और आप कोरोना से पहले ही 3.25% पे आ गए थे, जबकि आपने आधा बास्केट ऑफ कमोडिटीज, जिससे आधार वर्ष और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर के भारांक थे आपने बदले, उसके बाद 3.25% पे। आप सोचिए कि एडीआर की रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी भानुमति का टुंबा है, इनके अपने नेता रहे नहीं, गोविंदाचार्य इनके पास नहीं है, जोशी साहब इनके पास नहीं है, अडवाणी साहब इनके पास नहीं, यशवंत सिन्हा इनके पास नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा इनके पास नहीं, जसवंत सिंह इनके पास नहीं रहे जब वो जिंदा थे, प्रवीण तोगड़िया साहब ने कितनी गजब किताब भारतीय जनता पार्टी की छलावे की, उसके बावजूद भी सर कभी इसमें ये तो कड़वी सच्चाई है कि फिर भी जनता साथ है, एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है, बेशक उनके अलायंस उनके साथ रहे नहीं रहे है, लेकिन यही कुछ भ्रम तो ऐसा है ना पूजा जी, कुछ तो काम ऐसा हुआ होगा ना सर, पूजा जी यही भ्रम है। आज भी 32% वोटों के साथ ये देश के अंदर सरकार चला रहे हैं, जबकि इनके पास जो है चील कौवा तोता मैना सब है, सब कार्रवाई पे लगे हुए, जहां 2 विधायक होते हैं वहां ये सरकार बना लेते हैं,
धनबल और बाहुबल से। आपने अभी देखा शिवसेना को कैसे दो भागों में तोड़ा गया, कैसे झारखंड के अंदर शुरू किया, किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। तो इसको अगर आप कहती है कि जनता इनके साथ है तो माफ कीजिएगा, भारतीय लोकतंत्र क्या जनता नहीं समझ रही? जनता क्यों नहीं समझ रही? जनता विवश है, जनता विवश है। जहाँ सरकार उसके पास तो वोट का अधिकार है सर, सीबीआई के दम पर, ईडी के दम पर, जनता के पास प्रशासनिक सबसे बड़ा अधिकार तो जनता के पास है। खड़ा कर करके बनी जा रही। वैसे ही मैं ये बात देखिए, जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है, जनता लोकतंत्र में अपना निर्णय दे रही है, जनता देश की सरकार को चुन रही है, जनता अपने नेता को पहचान रही है, अपने नेता को चुन रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय से मैं कहना चाहता हूँ, आप 2012 में ईवीएम से ही जीत करके आए थे, 2012 में ईवीएम से ही जीत करके आप सत्ता में आए थे उत्तर प्रदेश में, आप शायद भूल रहे हैं ये बात। आज हारने लगे, 20 लाख ईवीएम का दावेदार किए, 20 लाख ईवीएम मिसिंग है कि नहीं है, ईवीएम का रोना रोने लगे। आज जनता ने आपके नकार दिया, जनता ने आपका फतवा साफ कर दिया, तो आप ईवीएम का रोना रोने लगे, जनता ने आपको सत्ता से उठा करके बाहर फेंक दिया, तो आप ईवीएम का रोना रोने लगे, जनता ने आपको आपके भ्रष्टाचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया, तो आप ईवीएम का रोना रोने लगे, जनता ने आपके नेताओं का जवाब दिया। आमिर जी, जब जिसका समय आए सर, तब एक कमेंट एजाजी विद्या जी से ले लूं, एक कमेंट उसके बाद आपके पास। विद्या जी, ये देखिए, जो भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। उनको ये बोलना ईवीएम पे आ गए नहीं, ईवीएम से आप जीत रहे हो, ये भी सच्चाई है। पेगासस में अगर मैं इधर से आपके मोबाइल में भी कुछ कर सकती हूँ, तो ईवीएम में जिस जो देश अमित शाह जी के कब्जे में है वो हेरा फेरी नहीं कर सकता, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। अभी सभी संस्थाएं, चाहे चुनाव आयोग हो, इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोर्ट्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे संसद हो, सबको इन्होंने घेर लिया है। और ये पूरा देश में जो बोल रहे थे 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, जनता को भी घेर सकते हैं ये लोग, जनता को भी घेर सकते हैं क्या? जनता तो अपने विवेक पर काम करती है। अभी देखिए, जनता को भी अभी राम का नाम लिया तो खुश हो गए जनता। जनता गरीब है, जनता अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं, ऐसे लोगों को भूल भलैया में डालना है। जनता को अनपढ़ और गरीब बता दिया आपने, तो ये गरीब अनपढ़ जनता इसलिए बीजेपी को वोट कर रही है। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ गरीब अनपढ़ नहीं, जो पढ़े लिखे जो लोग है ये इनके झांसे में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये गलत ढोंग, हिंदुत्व का ढोंग करते हैं और ऐसा करते हैं कि हम ही लोग हिंदुत्व के ठेकेदार है। प्रश्न हिंदुत्व का है ही नहीं, देश के संविधान का प्रश्न है। मनुस्मृति फिर से लाना चाहते हैं, जो हमें नहीं चाहिए। हमें देश का संविधान चाहिए जो सर्वधर्म समभाव रखता है। ठीक। और ये लोग ये सर्वधर्म समभाव मिटाना चाहते हैं। ठीक। लोगों को ये हिंदुत्व का ढोंग कर चल रहा तो है। लोगों को आप समझाते क्यों नहीं एजाज जी? लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे आप लोग? और समझ एजाज जी, लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे आप? पूजा जी, 70 सालों में हमने क्या किया है, ये 70 सालों में हमने जो किया है उसको ये बेचना शुरू कर दिया है। हमने बनाना शुरू किया, हमने बनाया और इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। इन्होंने रेल बेचा, सेल बेचा, भेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, एयर इंडिया बेचा, सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं भारत के वो सब बेचने का काम किए। ये बेचने वाली सरकार है और बेचने वाली सरकार कभी देश के लिए नहीं सोचने वाली सरकार हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार की राजनीति में जब परिवर्तन हुआ है उसके बाद से नफरत की राजनीति का डिबेट पूरे देश में बंद हो गया है। पूरे देश में नफरत की राजनीति का जो डिबेट चल रहा था लगातार, वो बंद हो गया। बिहार के सियासी असर के बाद बंद हो गया। ठीक 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 जी, ठीक ठीक। आपके पास आते दिव्यांशु भारद्वाज, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि 16 करोड़ रोजगार कहां गया 8 सालों में, सिर्फ 7,22,000 आपने रोजगार दिया। और फिर जुमलाबाजी किया आप इस पार्टी का। बिहार में सियासी बदलाव हुआ है, इसके बाद लोग एक्टिव हुए और अब सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। पूजा जी, बिहार में लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी। ठीक। बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी से अब लोग पूछ रहे हैं, खास तौर से बेरोजगार नौजवान। दिव्यांशु जी, आप लोग तो उसी सरकार के साथ थे, आप लोग हमारा कहां गया? बीजेपी के साथ ही रहे, अब राजद के साथ आ गए हैं। ठीक। दिव्यांशु जी, आप लोग आवाज पहुंच के रिएक्शन दे दीजिए। देश के नौजवानों को आपने झांसा देकर ठगने का काम किया था। मान लिया,
वो कहां गया? अब लोग सवाल कर रहे हैं, इनको जवाब नहीं सूझ रहा है। नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में है और माना यह जा रहा है कि विपक्ष की अगुवाई करने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो केसीआर से मिलते हैं, वो केजरीवाल से मिलते हैं, वो दिल्ली आते हैं, वो लेफ्ट पार्टियों से मिलते हैं, वो ममता बनर्जी से मिलते हैं, मुस्कुराते हुए फोटो सेशन करवाते हैं और हालांकि बार बार मना कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि मैं पीएम पद का दावेदार नहीं हूं। बेशक बिहार में उनका एक अच्छा नाम, उनका चेहरा, उनका अनुभव बोलता है, लेकिन क्या वो सक्षम है विपक्ष को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को फाइट देने में? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी पे कुछ भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से आज 303 सीट की पार्टी बनी हुई है, कोई बहुत पहले और सैकड़ों साल पुरानी तो बात है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर थी। और निश्चित तौर पर एक व्यक्ति का माननीय जो नेता है हमारे नीतीश जी ने, उन्होंने यह साबित किया है एक साधारण परिवार से निकल कर इस प्रकार से बिहार को वापस पटरी पर उन्होंने लाया है। नीतीश कुमार 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है और आज नीतीश कुमार एक ऐसा ब्रांड है, इस बात को आप समझिए, नीतीश जी एक ऐसे ब्रांड है जिनके साथ काम करने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। और नीतीश कुमार काम करने में तो गुरेज नहीं है दिव्यांशु, लेकिन क्या उनको, पूजा त्रिपाठी, क्या नीतीश के साथ काम करने में तो गुरेज नहीं है आप लोगों को, लेकिन उनको क्या आप मुख्य चेहरा बनाएंगी, कांग्रेस सपोर्ट करेगी? चेहरा नीतीश जी चेहरा बनेंगे या नहीं बनेंगे उस पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। पूरे विपक्ष के लोग, नीतीश जी की इच्छा बस इतनी है कि जिस प्रकार से आज जो देश में यह दौर आ गया है कि भाई हम विपक्ष को नहीं जीवित रहने देंगे, जो जनता का आवाज उठाएगा, जो हमारी बात को नहीं मानेगा उसके घर पर हम सीबीआई और ईडी का रेड करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे कि भाई 2024 में प्रधानमंत्री जी को मान लिया गया है, भविष्य वक्ता है, दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, इनको कैसे पहले से पता है, 2 साल पहले इनको पता चल गया है कि पूरे देश के लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री मान लिया है। उनका कॉन्फिडेंस है, उनको पता है उनका चेहरा कौन है। पूजा त्रिपाठी, यानी नीतीश कुमार तो अलग हो गए हैं, वो पीएम पद की रेस में नहीं है, काफी संतोष आपने जाहिर किया होगा। बात संतोष की नहीं, अभी यहाँ पे बात जनादेश की चल रही थी पूजा जी की, हाँ लोग उनको बार बार वोट क्यों दे रहे हैं, तो मैं खुद ही कहना चाहूंगी कि ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है कि 2019 में भाजपा को 37% वोट मिले हैं, तो ये जो 63% का जो गैप है, जो 63% का जो स्पेस है, जो सारी पार्टीज में डिवाइड होता है, अगर वही पार्टीज एक कॉमन अम्ब्रेला के तहत साथ आएंगे और फिर कह रही हूँ कि ये चेहरे बनाम मुद्दों की राजनीति है, जो नीतीश कुमार जी अपने को अलग कर चुके हैं, नीतीश जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, बिल्कुल, आज जब धन बल और बाहुबल की स्टेबल सरकार गिराई जा रही है तो नीतीश जी ने बहुत चालाकी से, बहुत शांत तरीके से अपने को गठबंधन से अलग कर लिया और महागठबंधन में जुड़ गए द सो कॉल्ड चाणक्य के देखरेख में ही। तो नीतीश जी इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं, पर फिर वही कहूंगी कि जब सारे विपक्षी पार्टी साथ में आएंगे और 63% स्पेस की बात होगी, ठीक है, तो मैं ये कहूंगी कि 2024 और 2024 का भी। आमिर शमसी जी, अब बताइए, कंक्लूड कीजिए, विपक्ष तो पूरा तैयार है आर पार की लड़ाई के मूड में, सब एक सुर में कह रहे हैं कि चेहरा नहीं, हम तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कर रहे हैं, नीतीश कुमार उसी तैयारी में है, ब्लूप्रिंट पर सबका हस्ताक्षर होंगे। नेहा जी, कहीं दूर की बात क्यों करें, सिर्फ चार साल पहले चले जाएं, 2019 का चुनाव देख लें, 2019 में विपक्ष की बोलियों को देख लें, 2019 में विपक्ष के एक्सपेरिमेंट्स को देख लें और 2019 में विपक्ष के फेलियर को देख लें। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, अभी मेरी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय ये बात कह रही थी, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, आरबीआई का मुद्दा है, भाई जनता भी तो सोच रही होगी सर, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो हुआ भूतकाल में जो हो गया भाई, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जनता को भ्रमित। देखिए मैं अब फिर वही बात, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, मैंने सबकी बातें बहुत शांति से सुनी, अब मुझे मेरी बात कह लेने दी जाए। देखिए हाँ बिल्कुल, सारे मुद्दों पे आता हूँ, अभी आप रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए ना, आपकी मैं बहुत शांति से सुना। देखिए सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, हमारे जो विरोधी दल हैं, जो हमारे देश का सो कॉल्ड विपक्ष है, जो सो कॉल्ड राजनीतिक दल है, जो सो कॉल्ड सेक्युलर दल है, मैं उनकी जो उनकी कार्यशैली है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं, इनका काम एक केंद्रीय कार्यक्रम है, जनता को भ्रमित करो, जनता को भ्रमित करना, भ्रमित करके सत्ता में आना, सत्ता में आने के बाद जनता को धोखा देना,
ये इनके हमेशा 70 साल रहा, जनता इनको बाखूबी पहचान चुकी है। सारे जितने भी चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और कांग्रेस का तो क्या ही कहना, कांग्रेस का तो सुपड़ा लगभग लगभग कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, और भारत कांग्रेस मुक्त हो भी जाएगा, क्योंकि भारत की जनता ने यह निर्णय ले लिया है। 70 साल देश खराब होने वाली कांग्रेस के मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। आज हमारे देश के देश की जनता ने निर्णय ले चुकी है, ठीक उसी तरह 2014 में जनता का आशीर्वाद हमें मिला था, 2019 में जनता का आशीर्वाद मिला, 2024 में भी जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि हमने जनता के साथ छल नहीं किया, धोखा नहीं किया, जनता के हित में काम किया, जनता के अंदर के सशक्तिकरण के लिए काम किया, देश की बेहतरी के लिए देश की अखंडता के लिए काम किया, और हमारे देश के तथाकथित सेक्युलर दल खुद को सेक्युलरों का मसीहा बनाने वाले बताने वाले दल क्या करते थे, जनता के धर्मों में लड़ा के जनता को डिवाइड करके शुभकामनाएं 2024 के लिए। आमिर शमसी जी, पूजा त्रिपाठी, कपिल श्रीवास्तव जी, विद्या चौहान जी, इजाज अहमद जी और दिव्यांशु भारद्वाज जी, 2024 की ये जंग है और हर दिन ये जंग नजर आती है, रोचक हो रही है। नीतीश कुमार स्वयं तो नहीं कहते लेकिन उनकी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि वो पीएम के लिए विपक्ष के साझे उम्मीदवार के तौर पर हो सकते हैं, हालांकि उन्होंने मना कर दिया। अब कह सकते हैं कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनका रुख क्या होगा, कौन किसके नीचे काम करने को तैयार होगा, किसी के नाम को हरी झंडी मिल पाएगी या नहीं, 2024 की ये फाइट है जो कि बहुत रोचक है। फिलहाल चर्चाएं खास में इतना ही, दीजिए विराम, जल्द हाजिर होते हैं। जय हिंद। और आज भी हमारे यंगर एज से एक संबंध है, और आप जानते हैं इधर हम अलग हो गए थे लेकिन उसके पहले यहाँ पर कितना बार नीचे पर हम आते रहे, आप नहीं देखे जब हम आते थे दिल्ली तो यहाँ भी आते थे और यहाँ इनके ऑफिस में जाके बैठते थे। ये सब मेरा पुराना संबंध।